स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर, और आज का जो मोस्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सीटेट वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का जो मॉर्निंग शिफ्ट पेपर था, जिन बच्चों का सेट आई था, और क्वेश्चन तो वैसे तो सिमिलर ही होते हैं सभी सेट के, और वैसे उसी के अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे 30 में से हमारे कितने नंबर सही हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा में, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर द प्रिजर्व्ड एज इनोसेंट एंड द डिपेंडेंट कंप्लेन एंड द कैपेबल। तो ये होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। नॉलेज एंड द मीनिंग मेकर, ये हो सकता है, एंड द विनरेबल एंड द इन नीड ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा ये 3 नंबर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फीडबैक टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इन द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, वो कब होता है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है, छात्रों में तुलनात्मक, नहीं छात्रों को तुलना तो कर ही नहीं सकते, साफ साफ बोला गया। यह सीखने की गतिविधियों के दौरान पश्चात भी होता है, हाँ ये सही है। तो जिन्होंने सेकेंड आंसर लगाया वो सही है बिल्कुल भी। अगर हम थर्ड की बात करें, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस टू द प्रेशर्स ऑफ टू कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड द फॉलो द कन्वेंशन फर्टिनिटी एंड द मस्कुलिनिटी इंक्रीज जेंडर एंड द जेंडर रोल ऑफ द डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल। तो जो जेंडर होता है वो हमारा बायोलॉजिकल डिपेंड नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप यहाँ पर आंसर में जा किसके साथ अगर आप गए हैं आंसर में, तो यहाँ पर हमारा ए सही है और आर गलत, ये हमारा थर्ड आंसर के साथ आप जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, सुनीता एक 12 वर्षीय कक्षा विशिष्ट संगीत क्षमता रखती है और उसके माता पिता ही उसे निपुण गायक और उसकी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए उसे भेजते हैं। तो सुनीता की ये क्षमता किसको दर्शाती है, वृद्धि परिवक्ता नहीं, पोषण को भी नहीं दर्शाएगी, अनुवांशिकता को दर्शाती है ये। तो ये जिन्होंने थर्ड आंसर लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्पत्ति मूलक कारक नहीं हो सकता, मानवीकृत कारक और वंशानु कारक, तो यहाँ पे हमारा होगा पर्यावरणिक कारक होगा हमारा। हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को हमेशा केवल ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, नहीं बिल्कुल गलत, विद्यार्थियों के उसके संदेह और सवाल पूछने के लिए हसायित करना चाहिए, नहीं ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। तो हमें ऐसे सवाल देने चाहिए जिसके अंदर निष्कर्ष और व्याख्या भी हो। चलिए आगे, 7th नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसको और उनकी वर्गीकृत स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो वो हमारा है भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतः व्यक्ति बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो क्योंकि प्राकृतिक के बारे में बात करें तो वो प्राकृतिक के ही बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक के वर्गीकरण के बारे पर्यावरण के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विकार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं, इसमें तो कई बच्चों ने गलत भी किया है। तो यह अक्सर योग्यता के स्थिति दृढ़ में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शा है। यह अक्सर योग्यता वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक। तो इसका जो आंसर होगा, जिन बच्चों ने सेकंड लगाया वो सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की, रमा एक शिक्षिका है जो वायजोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने को के लिए अपने छात्रों के समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र का महत्वपूर्ण संकल्पना और समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, नहीं बिल्कुल नहीं, छात्रों को समस्या के स्वयं हल करने का प्रयास बहुत प्रोत्साहित करें।
ये एक पल के लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी हम और भी पढ़ेंगे। छात्र को अलग अलग कार्य सौंपने, अलग नहीं सौंप सकते, छात्र के साथ समस्या का काम करें और उसमें समूह के सदस्यों को शामिल करें। ये सही है आपका, चौथा आंसर जिन्होंने लगाया है वो सही है। 10वां नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा रीजन है शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग करना प्रोत्साहित करनी चाहिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधियाँ संगठन अर्थपूर्ण बाधा डालता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है वो जिन्होंने किया है, ये हमारा सेकंड सही है। भावनाओं और व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों के परिवर्तन और स्थिरता में किस विकास में शामिल है? तो ये हम अगर बात करें, भावनाओं की जो बात होती है वो हमारे किससे होती है, इमोशन से ही होती है। और इमोशन जो जिन्होंने बच्चों ने लगाया है वो हमारा आंसर सही होगा सेकंड। 12वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी है? तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, जो थर्ड है हमारा ये सही है। अब हम बात करते हैं 13 का, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार शायद उसके दिए गए हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक पदानुक्रमिक होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा जो होगा ये आंसर, ये क्या है, दोनों ही गलत हैं, ए और आर। स्कूलों के अंदर हमें भीतर नहीं, उसको अलग से भी करना चाहिए, क्योंकि स्कूल खाली पाठ्यक्रम के ही नहीं आधारित, मतलब सभी चीज़ों को लेकर चलती है। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन, लैब वाइज के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के संबंध, जो आपने इसके अंदर जो चौथा नंबर आंसर दिया गया, भाषा विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएँ हैं, सही है। 15वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलिखित है? तो अगर हम इसमें बात करते हैं, सही सुमिलिखित जो हमारा इसके अंदर है, मानक संदर्भित मूल्यांकन और साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पर आंसर है सेकंड, वो सही जाएगा। अगर हम बात करें आगे, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो भाई जो दृष्टिबाधित है, मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए आप सुना सकते हो, उभरती हुई चीज़ों को वो छू कर समझ सकता है, ग्राफिक को भी समझ सकता है, लेकिन मुद्रित उसके किसी काम के है नहीं, नोट्स। 17वां नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कॉलबर्ग ने बच्चों को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का? तो आपको पता होगा लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या दिया था, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं, आपने हाइंस के बारे में पढ़ा होगा। और 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है, कहाँ, खोज आधारित विधि को। 19 नंबर की अगर हम बात करें, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है कैसे? तो पठन कौशल्य से जो जूझ रहे बच्चे जो हैं उसको आप कैसे, तो आप उसको व्यवस्थित ध्वन्यात्मक, उसको मतलब सही से सुनाई दिया जाने वाले चीज़ों का प्रयोग करेंगे ताकि उस बच्चों को सही सुनाई दे और वो उसको आगे से कायम कर सके। जिन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जो यहाँ पे लिख रखा है बच्चों ने टिक लगाया, ये गलत है। वैसे तो यहाँ पर ये होगा, पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों में प्रासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में अधिक संभावना है? छात्रों को उनके प्रदर्शन गुणात्मक प्रतिरुष्ट के बजाय अंक देना चाहिए, गलत। छात्रों को अपने स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया में बल देना चाहिए। तो जहाँ तक कि सेकंड क्वेश्चन जो आंसर है ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है, आंसर सही है जिसने भी लगाया सेकंड नंबर। 22 नंबर में अगर हम आते हैं, 22वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवलीनता के संदर्भ में सही है? सवलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होते हैं, ये सही है एक पल के लिए। और बोला जाता है सवलीनता एक तांत्रिक विकासात्मक क्या है ये, तो एक ये तांत्रिक विकासात्मक विकार है, एक प्रकार की ये तर्न से रिलेटेड ये क्या है, कमजोरियां हैं, तो ये इसके विकार के अंदर आएगी। 23वां नंबर क्वेश्चन, प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो बच्चे कि स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, बच्चा खुद से मतलब कि पढ़े और उसके अंदर जुड़ाव हो, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है।
24वां नंबर क्वेश्चन है सर, सर रीजन है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थी आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह और बातचीत से बचाना चाहिए। नहीं, ये कभी तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा गलत है, ये सही है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर टिक लगा रखा है थर्ड नंबर पर, ये वही आंसर सही है। 25वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो कि उन्हें, तो क्या आता है इसके अंदर हमारा, रट कर तो आएगा नहीं, हमारा बिल्कुल भी अनुबंधन अधिगम आएगा नहीं, और व्याख्या जो लगा रखा है ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पारस्परिक शिक्षण आएगा। ऐसा रीजन फिर दोबारा से हमारा 26वां नंबर, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, और रीज़न क्या बोल रहा है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, इस केस के अंदर क्या होता है हमारा, तो इस केस के अंदर हमारा जो है ए जो हमारा सही है और हमारा बी क्या है, गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे व्यस्क से किस प्रकार भिन्न हैं, तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार भिन्न हैं, बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर जो गुणात्मक जो उनके अंदर विकास, जो उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वो बच्चों से काफ़ी अधिक होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण चिंतन को बढ़ावा देगा, मतलब कि वो चिंतन को ज़्यादा बढ़ावा देगा, अगर हम भारत के राज्य को एक आसानी से बता देगा, कितने राज्य हैं वो भी बता देगा, कुल जनसंख्या कितनी है वो भी बता देगा, जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें बच्चे को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, चौथा नंबर आंसर इसका सही है। समावेशी शिक्षा के अंदर अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देशन दिए जाते हैं, ये सही होगा हमारा थर्ड आंसर, फोर्थ गलत है। अगर हम बात करें यहीं पर ही, अच्छा सर रीज़न है हमारा लास्ट, शिक्षकों को बच्चे के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण के तौर पर गैर उदाहरण तौर पर चर्चा करनी चाहिए, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना, तो इसमें जो हमारा है दोनों ही कथन सही हैं, और सेशन इसका सही व्याख्या करता है रीज़न, तो आपको बताना है कि आपके जो 30 में से कितने मार्क्स जो आए हैं, तो आप कमेंट सेशन में डाल के हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं SST के पेपर के साथ।